हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल थ्री लिटिल ट्यूटर में। आज 23 फरवरी है और आज से मध्य प्रदेश के आरटी के एडमिशन स्टार्ट हो रहे हैं। लेकिन सुबह से बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि फॉर्म नहीं भरे जा रहे हैं और मैं भी वेबसाइट पर जाकर चेक किया, मोबाइल ऐप से भी चेक किया तो फॉर्म नहीं भरे जा रहे थे, फॉर्म भरना स्टार्ट नहीं हुए थे। तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी जल्दी सारा चीज़ हुआ, क्योंकि नोटिस एक दिन पहले आती है, फिर उसके एक दिन बाद फॉर्म भरे जाने हैं और फॉर्म भरे नहीं जा रहे थे तो बहुत सारे लोग का कमेंट आ रहा था। तो बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है, फॉर्म भरना शुरू हो गए हैं और अब आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। तो पहले दिन फॉर्म भरना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ जानकारी अधूरी रहती है, कुछ हो सकता है नया हो। तो जैसे इस बार उम्र सीमा नहीं है, क्लास वन के लिए बच्चे की उम्र 6 साल से अधिक होनी चाहिए, तो इसी तरीके से कुछ और नई जानकारियां मिलेंगी, इसलिए आप अब फॉर्म भर सकते हैं और मैं आपको इसमें फॉर्म भर के दिखाऊंगा कि फॉर्म कैसे भरना है और फॉर्म भरने से पहले आपको क्या क्या जानना जरूरी होता है वह भी दिखाऊंगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसे फॉर्म भरेंगे। तो इसके लिए हम टाइप करेंगे MPRT और सर्च कर देंगे तो आपके सामने सबसे पहला जो पेज आ रहा है ऑफिशियल वेबसाइट आएगी, जिसपे आवेदन पंजीयन लिखा हुआ है, उस वाले पे क्लिक कर देंगे। तो अभी भी आप देख सकते हैं कि वेबसाइट बहुत धीमा चल रही है और अभी भी इस पे लोड बहुत है, क्योंकि बहुत सारे लोग फॉर्म भरना चाहते होंगे। तो हम सबसे पहले आवेदन प्रक्रिया में नहीं जाएंगे, जहां से आप मोबाइल ऐप से भी फॉर्म भर सकते हैं, तो इसे मैं मिनिमाइज कर दे रहा हूं। तो सबसे पहले हम आवेदन प्रक्रिया में नहीं जाएंगे, क्योंकि यहां से आवेदन का पंजीयन होगा, यहां से आप अपने बच्चे का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन हमें सबसे पहले स्कूल देख लेना है कि अपने क्षेत्र में कौन सा स्कूल आता है और उसका नंबर नोट करके रख लेना है। सबसे पहले हम उसी को देखेंगे। तो इसके लिए हमें अपना जिला चुनना होगा। मैंने अपना जिला चुन लिया। फिर अपने निवास का स्थान, फिर अपने निवास का ग्राम पंचायत, फिर निवास का ग्राम या वार्ड, फिर यहाँ क्लास आप चुन सकते हैं। और अगर क्लास नहीं चुनना है तो मत चुनिए। अगर क्लास नहीं चुनेंगे, सिलेक्ट ऑल रहेगा तो सभी क्लास का दिखाएगा, यानी नर्सरी, KG1, KG2 और क्लास 1 का सबका दिखाएगा। तो मैं यहाँ क्लास नहीं चुन रहा हूँ ताकि मुझे ज़्यादा ऑप्शन मिल सके, लेकिन आप क्लास भी चुन सकते हैं। अगर आपको क्लास चुनना है तो इसमें क्लास भी चुन सकते हैं। तो यहाँ मैं क्लास चुन के भी दिखा दे रहा हूँ। सूची देखने पर क्लिक करना है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जितने भी स्कूल उस क्षेत्र में हैं उनकी लिस्ट आ जाएगी और यहाँ पेज वाइज पूरी लिस्ट आ जाएगी, जिसमें आपके ग्राम वार्ड में कितने स्कूल हैं, उसके पड़ोस में कितने स्कूल हैं, विस्तारित पड़ोस में कितने स्कूल हैं, वो सब आ जाएगा। अब आपको ध्यान ये देना है कि इसमें आपको देखना है कि आपके ग्राम वार्ड में कितने स्कूल हैं। आपको कोशिश करना है कि अपने ही ग्राम वार्ड के स्कूल ज़्यादा से ज़्यादा आप चुनें, पड़ोस के ग्राम वार्ड या विस्तारित पड़ोस के ग्राम वार्ड के स्कूल ना चुनें। अगर आपके ग्राम वार्ड में बहुत कम स्कूल हैं तभी उन्हें चुनें, नहीं तो कोशिश करें कि आप अपने ग्राम वार्ड के स्कूल को ही चुनें, क्योंकि जो प्रथम वरीयता होती है वह आपके ग्राम वार्ड स्कूल की होती है, इसलिए इन्हें ही प्रथम वरीयता रखें, यानी कोशिश करें कि सारे स्कूल आपके ग्राम वार्ड के हों। अगर आपके ग्राम वार्ड में ज़्यादा स्कूल नहीं है तब अपने पड़ोस के ग्राम वार्ड, और अगर उसमें भी नहीं है तब अपने विस्तारित पड़ोस के ग्राम वार्ड के स्कूल चुनें, क्योंकि विस्तारित पड़ोस के ग्राम वार्ड के स्कूल में चयन होना बहुत बहुत ही मुश्किल होता है। और एक चीज़ यहाँ और ध्यान दें कि आप यहाँ सीट भी देख सकते हैं कि कितनी सीट उनके यहाँ खाली है। तो ये नर्सरी का सीट है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पहले स्कूल में नर्सरी की 4 सीट खाली है, दूसरे में 7 सीट खाली है और तीसरे में 13 सीट खाली है। तो जिस स्कूल में आपको अप्लाई करना है उसका यहाँ से आप नंबर नोट कर लीजिए, क्योंकि स्कूल आईडी आपको वहाँ डालना पड़ेगा। तो इस तरीके से देख सकते हैं, ये केवल नर्सरी के लिए बताया गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ मैंने नर्सरी चुना हुआ था। अगर यहाँ आप आल पे क्लिक करेंगे तो आपके पास आल आ जाएगा, यानी नर्सरी का भी रहेगा, KG1 का भी रहेगा, KG2 का भी रहेगा। तो यहाँ ये दो चीज़ें आपको करना है। और तीसरा काम जो करना है वो ये करना है कि आपको समझना है कि क्या ग्राम वार्ड है, क्या पड़ोस है और क्या विस्तारित पड़ोस की सीमा है। तो यहाँ जो मैप दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। आप इनमें से किसी में भी क्लिक करेंगे तो वो स्कूल जिस वार्ड में है उस वार्ड का मैप खुल जाएगा और आपको दिखाने लगेगा कि आपका ग्राम वार्ड क्या है और उसका पड़ोस क्या है और उसका विस्तारित पड़ोस क्या है। मैं यहाँ क्लिक करके आपको दिखा दे रहा हूँ, आप ये देख लीजिए कि आपका डिटेल खुल गया है कुछ इस तरीके से। अब इसमें आप देख पाएंगे कि जो लाल है वह स्कूल का ग्राम या वार्ड है और जो हरा है वह पड़ोस है और जो पीला है वह विस्तारित पड़ोस की सीमा है। तो इसको और अच्छे से समझ लेते हैं, थोड़ा सा जूम करता हूँ। अब इसमें देखिए विष्णुपुरी वार्ड जो है उसमें यह स्कूल है और उससे लगे हुए जितने वार्ड हैं,
जो हरे हैं, मतलब उसकी सीमा से जितने वार्ड लगे रहेंगे वो पड़ोसी माने जाएंगे, वो पड़ोस माने जाएंगे, और उस पड़ोस की सीमा से जितने लगे हैं पीले पीले वाले जो दिख रहे हैं वो विस्तारित पड़ोस हैं। तो पहले इस वार्ड में जो बच्चा रहेगा उसका एडमिशन होगा इस वार्ड के स्कूल के लिए। अब अगर सीट खाली रह जाएगी तो हरे वाले में जो बच्चे हैं उनको लिया जाएगा, और अगर अब भी सीट खाली रह जाएगी तो जो पीले वाले में हैं उनको लिया जाएगा। तो ऐसा बहुत कम ही होता है कि विस्तारित पड़ोस के बच्चे किसी स्कूल में एडमिशन पाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उसी वार्ड या ग्राम के, फिर उसके बाद पड़ोस के बच्चे लिए जाते हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि आप कोशिश करिए कि अपने ग्राम वार्ड का स्कूल ही चुनें। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि ग्राम वार्ड, पड़ोस और विस्तारित पड़ोस क्या होता है। अब हम चलते हैं फॉर्म भरने की तरफ। तो फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले हम आवेदन पंजीयन पर क्लिक करेंगे, और आवेदन पंजीयन पर क्लिक करके तो फॉर्म में जो सबसे पहला स्टेप है वह है आरटीआई ऑनलाइन आवेदन है, तो ओटीपी के माध्यम से आवेदक का मोबाइल नंबर सत्यापित करें, यानी आप यहां अपना मोबाइल नंबर भरेंगे और यहां कैप्चा कोड भरेंगे, मोबाइल पर ओटीपी प्राप्त करने हैं तो क्लिक करेंगे तो आपको एक ओटीपी मिल जाएगा। इससे ये साबित हो जाएगा कि आप इसी नंबर से फॉर्म भरना चाहते हैं और आपके मोबाइल नंबर का सत्यापन हो जाएगा। तो मैं मोबाइल नंबर डाल के सत्यापन कर लेता हूं। तो यहां ओटीपी डालेंगे और ओटीपी डालकर सबमिट कर देंगे। तो इस तरीके से मैसेज आएगा कि आपका मोबाइल नंबर वैलिडेशन सक्सेस हो गया। जैसे ही मोबाइल नंबर का वेरिफिकेशन हो जाएगा तो आपके पास बच्चे का 12 अंकों का आधार नंबर का वेरिफिकेशन का ऑप्शन आएगा। इसमें एक नोट दिया गया है जिसे आपको पढ़ लेना है, जिसमें यह कहा गया है कि मैं सहमत हूं अपना आधार नंबर देने के लिए ताकि बच्चे के एडमिशन से संबंधित, शिक्षा से संबंधित वेरिफिकेशन किया जा सके। तो यहां बच्चे का आधार नंबर डालना है और फिर यहां उसे पुनः प्रविष्ट करना है, मतलब दो बार डालना है ताकि आप कोई गलती ना करें। तो मैं बच्चे का आधार नंबर डालता हूं। तो जब तक आप यहां पर राइट क्लिक नहीं करेंगे आप इसमें कुछ भर नहीं पाएंगे, जैसे आप देख पा रहे होंगे कि यहां आप भर नहीं पा रहे हैं। तो इसके लिए आप परेशान नहीं होइएगा, जैसे यहां आप राइट क्लिक कर देंगे तो ये खुल जाएगा और यहां आप आधार नंबर भर पाएंगे। देखिए आप यहां आधार नंबर भरा जा सकता है। तो यहां आप दोनों में आधार नंबर भरकर ओटीपी द्वारा ई केवाईसी करें पर क्लिक करना है। तो मैं क्लिक कर दे रहा हूं। तो आपको इस तरीके से एक मैसेज आएगा और फिर आपको यहां ओटीपी दर्ज करना रहेगा और ओटीपी दर्ज करके वैलिडेट ओटीपी करना होगा। तो ऐसे आपको मैसेज आ जाएगा कि आधार ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुली। अब यहां आपके पास फॉर्म खुल के सामने आ गया है। अब आप देख सकते हैं कि यह फॉर्म आपके सामने खुल गया है। इस फॉर्म को अब आपको भरना है और इसमें कुछ नोट है, पहले आपको इनको पढ़ लेना है। जैसे इसमें उम्र दिया गया है, कैसे भरना है, पड़ोस की सीमा क्या है, पात्रता क्या है, ये सब बताया गया है। तो इसे पहले से आप पढ़ सकते हैं, उसके बाद यहाँ से आपको फॉर्म भरना शुरू करना है। तो सबसे पहले प्रवेशार्थी यानी बच्चे का 9 अंकों का समग्र आईडी डाल देना है, फिर परिवार की 8 अंकों की समग्र फैमिली आईडी यदि हो तो डाल देना है। तो ये जरूरी नहीं है लेकिन ये कंपल्सरी है, इसको आपको डालना ही डालना है। तो इसको डाल देंगे। जैसे ही बच्चे की समग्र आईडी डालेंगे तो जितने भी आपके ये डार्क बॉक्स हैं ये अपने आप भर जाएंगे, इसको आपको भरना नहीं है। देखिए यहाँ आप भर भी नहीं पाएंगे, कुछ यहाँ भर नहीं सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं लिखा हुआ है प्रवेशार्थी के निवास एवं संपर्क की जानकारी पालक के वर्तमान निवास प्रमाण पत्र के अनुसार। तो इसमें इतने चीजें भरनी है कि स्टूडेंट कहाँ रहता है। इसमें जो डार्क बॉक्स है आप इसमें देख सकते हैं, किसे आप नहीं चुन सकते हैं, ये पहले से चुना रहेगा, इसे आप चेंज भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसमें कुछ चीजें चुनने का ऑप्शन है, जो डार्क बॉक्स नहीं है उसे ही आप चुन पाएंगे। तो चलिए उसको चुन लेते हैं। जैसे पूछ रहा है कि स्टूडेंट कहाँ रहता है, ग्रामीण क्षेत्र में या शहरी क्षेत्र में, तो स्टूडेंट शहरी क्षेत्र में रहता है। फिर मकान क्रमांक क्या है, तो इसमें स्टूडेंट का मकान नंबर डाल देंगे। तो फिर यहाँ मोहल्ला या बसाहट का नाम डाल देंगे। फिर ईमेल अगर आपको डालना हो तो जरूरी नहीं है, डाल सकते हैं। मोबाइल नंबर आप एक और दे सकते हैं, अगर दूसरा मोबाइल नंबर आप दे रहे हैं तो उसे भी दो बार भरना पड़ेगा ताकि कोई गलती ना हो। आप एक चीज ध्यान देंगे कि नोटिस में भी मैं बताया था, जब आपका सिलेक्शन होगा तो वो मैसेज आपके मोबाइल नंबर 1 पे आएगा, यानी जो रजिस्ट्रेशन आपने शुरू में किया था उस मोबाइल नंबर पर, जो यहाँ लिखा हुआ है मुख्य मोबाइल नंबर, इसमें जो नंबर दिए हैं आप
उसमें आएगा ना कि इसमें आएगा। ये ऑप्शनल दिया गया है, इसलिए अगर आपके पास है तो आप दे सकते हैं, नहीं तो आप नहीं देंगे तब भी जरूरी है। आप एक चीज और ध्यान देंगे कि जितने स्टार लगे मार्क हैं उनको आपको भरना बहुत जरूरी है, बाकी को भरना नहीं है। आप अगर चाहें तो भर लें, नहीं तो नहीं भी भरें तो भी चल जाएगा। नेक्स्ट सी में है जन्म प्रमाण पत्र के अनुसार प्रवेशार्थी एवं उसके माता पिता अभिभावक की जानकारी अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में भरें। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि बच्चे का नाम भरा गया है, उसका डेट ऑफ बर्थ भरा गया है और बच्चा लड़की है या लड़का है वह भी भरा गया है। तो जो आप आधार कार्ड चुने थे उस आधार कार्ड से इसमें नाम, डेट ऑफ बर्थ ये सब ले लिया गया है। अब आपको कुछ चीजें इसमें भरना है, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ, जितने स्टार लगे मार्क हैं, जो ये लाल स्टार लगा है उतने को आपको भरना अनिवार्य है, बाकी को भरना अनिवार्य नहीं है। और जो डार्क बॉक्स है वो ऑटोफिल है, वो ऑटोफिल हो रहा है, उसमें आप चेंज नहीं कर पाएंगे कुछ। बाकी जो ये व्हाइट बॉक्स है उसमें आप भर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि व्हाइट बॉक्स में क्या क्या भरना है। तो सबसे पहले भरना है जन्म प्रमाण पत्र में अंकित प्रवेशार्थी का प्रथम नाम पुनः प्रविष्ट करें। अब स्टूडेंट का नाम दोबारा लिखना है यहाँ, इसलिए कि अगर मान लीजिए आधार कार्ड में कोई दिक्कत है तो यहाँ आप सही नाम भर सकते हैं। फिर जन्म प्रमाण पत्र में अंकित प्रवेशार्थी का उपनाम पुनः प्रविष्ट करें, दूसरा नाम अगर कोई है तो उसे भी यहाँ लिखें, फिर जन्म तिथि भी लिखें। यानी जो चीज ऑटो लिया है उसे आप एक बार अपने से भी आपको भरना है, यानी जो चीज ऑटोमेटिक फिल हुआ है उसे एक बार आपको फिर से भरना है। इसी तरीके से यहाँ प्रवेशार्थी की लिंक पुनः प्रविष्ट करें, यानी ऊपर ऑटोमेटिक भराया है लेकिन यहाँ फिर से आपको भरना है। फिर प्रवेशार्थी की जाति वर्ग पुनः प्रविष्ट करें, यहाँ आपको कास्ट भरना है। फिर प्रवेशार्थी के पिता का नाम भरना है। फिर जन्म प्रमाण पत्र में अंकित पिता का उपनाम, जैसा कि जन्म प्रमाण पत्र में है पिता का उपनाम वैसा भरना है। पिता की समग्र आईडी भरनी है जो 9 अंक की होती है। फिर जन्म प्रमाण पत्र में अंकित प्रवेशार्थी की माता का नाम भरना है। फिर जन्म प्रमाण पत्र में अंकित माता का उपनाम भरना है। फिर माता की समग्र आईडी भरना है। इतना भर देने से माता पिता वाला कॉलम पूरा हो जाएगा, इसमें जो स्टूडेंट है उसका नाम, उसका डिटेल और माता पिता का डिटेल भरा जा रहा है इस कॉलम में। फिर हम चलेंगे डी वाले कॉलम में। तो डी कॉलम है प्रमाण पत्र में अंकित प्रवेश हेतु आरक्षित श्रेणी आरटी कोटा संवर्ग। तो इसमें आपकी एलिजिबिलिटी को पूछा गया है, यानी किसके आधार पर आप आरटी का फॉर्म भर रहे हैं। तो इसमें प्रमाण पत्र के अनुसार परिवार में वैध जीवित बीपीएल कार्ड धारी, क्या आपके पास बीपीएल कार्ड है, क्या जाति वर्ग अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति के हैं आप, या प्रमाण पत्र के अनुसार परिवार का वन ग्राम पट्टाधारी है, जाति प्रमाण पत्र के अनुसार विमुक्त जाति में आते हैं, महिला एवं बाल विकास अधिकारी द्वारा पंजीकृत अनाथ बच्चे हैं, प्रमाण पत्र के अनुसार प्रवेशार्थी विशेष आवश्यकता दिव्यांग CWSN कैटेगरी का है, जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र के अनुसार प्रवेशार्थी HIV ग्रस्त है या COVID-19 के तहत माता पिता की मृत्यु के कारण अनाथ बच्चे हैं। तो इतने लोग आरटी के लिए पात्र हैं और इनमें से कोई एक आपको चुनना होगा। जैसे ही आप इनमें से कोई एक चुनेंगे तो फिर उसका सर्टिफिकेट नंबर, बनने का डेट और कौन बनाया था ये आपको भरना होगा। जैसे मैंने बीपीएल चुना, बीपीएल का सर्टिफिकेट नंबर, बीपीएल अंत्योदय प्रमाण पत्र कब बना था और जारीकर्ता का नाम लिखना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं बीपीएल के साथ अंत्योदय कार्ड वाले भी एलिजिबल हैं, क्योंकि यहाँ अंत्योदय प्रमाण पत्र का दिनांक भी पूछ रहा है। इसी तरीके से अगर आप अनुसूचित जाति या जनजाति चुनते हैं तो जाति वर्ग चुने, तो इसमें आपको एक चुनना है, चाहे SC चाहे ST चुने, फिर सर्टिफिकेट नंबर, फिर डेट ऑफ सर्टिफिकेट, कौन जारी किया था वह। इसी तरीके से फिर आप देखेंगे अगर वन ग्राम पट्टाधारी हैं उसको करने से आपका सर्टिफिकेट का प्रमाण पत्र कब बना था, कौन जारी किया था। अगर विमुक्त जाति में आते हैं तब भी वही है, सर्टिफिकेट नंबर, कब बना था, कौन बनाया था। तो इसी तरीके से अगर COVID-19 वाला करते हैं तो इसमें आप देख सकते हैं कि ज्यादा डिटेल मांग रहा है, यानी माता का प्रमाण पत्र, पिता का प्रमाण पत्र, कौन बनाया था, कब बना था, किसने बनाया था, ये डिटेल मांगा जा रहा है। और इसी तरीके से अगर आप HIV ग्रस्त का करते हैं तो उसमें भी सर्टिफिकेट नंबर, कब बना था, कौन बनाया था, यही पूछा जा रहा है। तो इसे आप वही चुने जो आपके ऊपर लागू होता है। अगर आपके ऊपर दो चीजें लागू होती हैं, जैसे आप मान लीजिए SC भी हैं और आप BPL कार्डधारी भी हैं, तो आप कोई एक आप चुन सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास एक प्रमाण पत्र होना चाहिए, और ऐसा भी नहीं है कि कोई प्रमाण पत्र से आपको ज्यादा वरीयता मिलेगी, ज्यादा चांस मिलेगा और किसी से कम मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जो उचित समझे, जो आपके पास प्रमाण पत्र अच्छा हो, साफ सुथरा हो, जल्दी का हो, फटाफट पुराना ना हो, उसे आप चुने और उसका सर्टिफिकेट नंबर दें, उसका बनने का डेट दें और उसे कौन बनाया था उसका डिटेल इसमें डालें।
ऐसा संभव है कि एक आदमी के पास दो प्रमाण पत्र हो, तीन प्रमाण पत्र हो, तो आपके पास जो अच्छा प्रमाण पत्र हो, जो जल्दी का बना हो, साफ सुथरा हो, जिसमें सारी चीजें अच्छे से दिख रही हो, उसे आप चुन सकते हैं। आप कोई भी प्रमाण पत्र चुन सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको SC प्रमाण पत्र ही चुनना है या BPL कार्ड ही चुनना है। आप दोनों में से कोई एक चुन सकते हैं, जो आपके ऊपर लागू होता है उसको एक चुन सकते हैं, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी में आपको कम ज्यादा चांस नहीं मिलता है, सभी में एक बराबर चांस मिलता है। आप कोई भी प्रमाण पत्र चुनेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भले इस चीज से फर्क पड़ता है कि वह स्कूल आपके ग्राम में है या पड़ोस में है। अगर आपके ग्राम में है तो आपको ज्यादा चांस मिलेगा, पड़ोस में है तो आपको कम चांस मिलेगा। तो इसलिए जो प्रमाण पत्र आपके पास हो वही प्रमाण पत्र यूज करें, और जो अच्छे से आपके पास हो, जिसमें डेट वगैरह अच्छे से मेंशन हो, उसी को यूज करें। अब हम ई में आ जाते हैं। तो ई क्या है? प्रवेशार्थी द्वारा प्रवेश हेतु स्कूल का चयन प्राथमिकता क्रम अनुसार करें। ग्राम, वार्ड, पड़ोस, विस्तारित पड़ोस में या तीन स्कूल हैं तो न्यूनतम तीन स्कूल का चयन करना अनिवार्य है। अगर आपके क्षेत्र में तीन स्कूल हैं तो न्यूनतम तीन स्कूल चयन करना अनिवार्य है, इसलिए आप तीन स्कूल जरूर चुने। अगर आपके क्षेत्र में नहीं है तो आपको छूट है, लेकिन आप कोशिश करें कि आप अपने ग्राम वार्ड के ही स्कूल ज्यादा चुने। तो चलिए मैं चुन के दिखा देता हूँ कि आपको कैसे चुनना है। अब यहाँ से आपको स्कूल चुनना है, तो सबसे पहले आपको क्लास चुनना है कि कौन सी क्लास। अगर आप नर्सरी चुनना चाहते हैं तो नर्सरी चुने, किंडरगार्टन या KG1 चुनना चाहते हैं तो KG1 चुने, KG2 चुनना चाहते हैं KG2 चुने, और क्लास पहली चुनना चाहते हैं तो क्लास पहली चुने। लेकिन एक चीज ध्यान रखेंगे, यहाँ जो भी आप चुनेंगे तो वो आपका जो आधार लिया है, आधार में जो एज है उसके अनुसार ये देखेगा, क्योंकि एज आप जो डालेंगे और जो आधार का रहेगा वो दोनों को लेगा। अगर उसके अनुसार नहीं रहेगा तो ये लेगा नहीं, क्योंकि वो ऑटोमेटिक क्लास से मैच कराता है, और अगर आपके बच्चे की उम्र कम या ज़्यादा है तो ये लेगा नहीं। तो इसी तरीके से आपको ये देखकर चुनना है कि अगर आपका बच्चा 3 साल से ज़्यादा है तो नर्सरी, 4 साल से ज़्यादा है तो KG1, 5 साल से ज़्यादा है तो KG2, और 6 साल से ज़्यादा है तो क्लास 1 के लिए आप चुने। फिर उसके बाद स्कूल के ID डालना है आपको, तो मैं स्कूल की ID डालता हूँ। तो यहाँ स्कूल ID डालकर स्कूल विकल्प सेव करें करना है। तो ये दोनों चीज चुनकर जब सेव करेंगे तो सेव हो जाएगा। फिर अतिरिक्त विकल्प जोड़ें, आपको और स्कूल जोड़ना है तो यहाँ क्लिक करके आप जोड़ते चले जाएंगे, और अगर आपका कोई गलत विकल्प जुड़ गया है तो यहाँ से आप विकल्प को हटा भी सकते हैं। तो यहाँ आप 10 स्कूल तक जोड़ सकते हैं, मिनिमम आपको 3 स्कूल जोड़ना है अगर आपके क्षेत्र में 3 स्कूल हैं तो। फिर F में आ जाता है आवेदन सत्यापन हेतु अपने निवास जिले के निकटतम जन शिक्षा केंद्र को चुने। तो आप कहाँ सत्यापन कराना जाना चाहते हैं वो सत्यापन केंद्र यही आपको चुनना रहेगा। तो आप ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद अपने फॉर्म का सत्यापन कहाँ कराना चाहते हैं उसको यही चुनना रहेगा। आपको जो विकल्प यहाँ चुन लेंगे उसी सत्यापन केंद्र पर जाकर आपको सत्यापन कराना रहेगा। तो चलिए चुन लेते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इसमें कोई भी आप चुन सकते हैं, जो आपके आसपास हो, जिसे आप जानते हो उसे चुन सकते हैं, जिसमें आपको सुविधा हो उसे चुन सकते हैं, लेकिन जो चुनेंगे वही आपका सत्यापन होगा, क्योंकि वेबसाइट वही आपके बच्चे का लिस्ट भेज देगी कि आपका कि इस बच्चे का सत्यापन यहीं पर होगा। तो इसे सोच समझ कर चुने, अपने आसपास का चुने। फिर उसके बाद नेक्स्ट है बच्चे की फोटो। तो यहाँ बच्चे की फोटो डालना है आपको, तो बच्चे की फोटो अपलोड करना है, तो यहाँ बच्चे की फोटो अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ एडमिशन कोटा आरक्षित समूह से संबंधित दस्तावेज अपलोड करें। तो यहाँ आपको दस्तावेज अपलोड करना है कि आप किस कोटा के तहत RT के लिए एलिजिबल हैं, यानी आप SC ST हैं या विमुक्त जाति में हैं या BPL या अंत्योदय कार्ड धारक हैं या अनाथ हैं, जो भी कैटेगरी आप पर लागू होती है उसका प्रमाण पत्र यहाँ अपलोड करना है, क्योंकि उसी से मिलान कराया जाएगा, उसी से सत्यापन किया जाएगा। तो यहाँ आप उसको चूज कर सकते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि आपके बच्चे का फोटो 100 KB तक होनी चाहिए और JPG या JPEG या PNG फाइल में होना चाहिए। वहीं आपका जो ये प्रमाण पत्र है, ये प्रमाण पत्र आपका 500 KB या उससे कम होना चाहिए और ओनली PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। तो यहाँ तक आपका फॉर्म पूरा कंप्लीट भरा गया है, अब आप इसे सबमिट कर सकते हैं। लेकिन मैं कहूंगा कि सबमिट करने से पहले एक बार आप फॉर्म को पुनः चेक करें और चेक करने के बाद ही सबमिट करें। जैसे ही आप चेक कर लें इसे सबमिट कर दें। सबमिट करने के बाद इसका 2 प्रिंट लेना है आपको, और ये 2 प्रिंट निकाल के आपको फिर उसे प्रिंट को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि अगर प्रिंट में आपको कोई गलती पकड़ में आती है तो उसे आप बाद में करेक्शन भी कर सकते हैं, क्योंकि करेक्शन का विंडो भी खुला है, साथ साथ चलेगा। और अगर फॉर्म में कोई गलती हुई है तो
उसे आप वेरिफिकेशन यानी सत्यापन से पहले करेक्शन करें। अगर आपने सत्यापन करा लिया तो फिर से फॉर्म में कोई संशोधन नहीं होगा, इसलिए आप प्रिंट आउट को अच्छे से पढ़ें और सत्यापन तुरंत कराने ना जाएं, एकदम लास्ट में भी ना जाएं, लेकिन कम से कम एक दिन दो दिन बाद जाएं, ताकि फॉर्म को अच्छे से पढ़कर देखकर उसके बाद अगर आपको लगे कि नहीं सब ठीक है तब आप सत्यापन कराने जाएं। सत्यापन केंद्र में आपने जो पहला मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड किया था वो मोबाइल लेकर जाएं और सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर जाएं और दो सेट सत्यापन प्रपत्र भी लेकर जाएं, तब वहां सत्यापन होगा। सत्यापन के बाद ही आपके बच्चे का नाम लॉटरी में शामिल होगा, यानी लॉटरी के लिए शामिल होगा और तभी आपके बच्चे का एडमिशन होने का चांस रहेगा। अगर आप सत्यापन कराने नहीं जाते हैं तो आपका फॉर्म रद्द हो जाएगा और आपके बच्चे का एडमिशन भी नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये फॉर्म भरने का प्रक्रिया आपको समझ में आ गया होगा। अब फॉर्म भरे जा रहे हैं तो आप फॉर्म भर लीजिए, अच्छे से फॉर्म भर लीजिए और सबसे पहला काम जो मैं शुरू में बताया हूं कि आप देख लीजिए कि आपके क्षेत्र में कौन से स्कूल हैं और उनमें से कौन सा स्कूल अच्छा स्कूल है, ताकि आपके बच्चे का एडमिशन अच्छे प्राइवेट स्कूल में हो। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।